हेलो क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों, दिस इज डेट 24th of January 2021। न्यूटन साहब का फोटो भी बना हुआ है, फोटो ही पसंद आए तो कम से कम वीडियो को लाइक करो। लेक्चर 7 एटम्स एंड न्यूक्लियाई का, ठीक है, लेक्चर 7 एटम्स एंड न्यूक्लियाई का। जिन्होंने नहीं पढ़ा हो लेक्चर 6 पहले देखो, लास्ट क्लास बाइंडिंग एनर्जी पर खत्म करवाया गया था। टुडे वी विल स्टडी वन ऑफ द मेजर ग्राफ्स ऑफ दिस चैप्टर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व विथ एटॉमिक मास। ठीक है, तो इस चैप्टर में ग्राफ कर्व बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। कल परसों का क्लास जिन्होंने नहीं किया वो लोग पढ़ो, उसमें पहले पढ़ाएंगे आपको बाइंडिंग एनर्जी और मास इफेक्ट, इन सब के बारे में पढ़ा दिया गया है। एक बार पहले देख लो बाइंडिंग एनर्जी मास इफेक्ट, वीडियो को पॉज करो। जो लोग चैनल मैं वीडियो का टाइटल देख कर कर आ गए हैं, वीडियो को पॉज करो या बंद करो और पहले लेक्चर 6 के तरफ जाओ। पहले सारे टॉपिक्स को पढ़ो और उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो टुडे अभी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व विथ एटॉमिक मास। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व विथ एटॉमिक मास। तो पहले कर्व को प्लॉट कर दो, पहले ही कर्व को ही प्लॉट कर दो, पहले कर्व को प्लॉट कर लो, पहले कर्व को प्लॉट कर लेना जरूरी है। आराम से कर्व को पहले प्लॉट करो। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व विथ एटॉमिक मास। एकदम 100% आएगा, 100% है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व वर्सेस एटॉमिक मास। जिन्होंने लास्ट क्लास पढ़ा था वो ऐसा ही एक कर्व आपको सिखाया गया था। बाइंडिंग एनर्जी का तो नहीं था, वो पोटेंशियल एनर्जी का था। वो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन न्यूक्लियॉन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स का कर्व था, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कर्व है। ये कर्व दो तरीके से पूछा जाएगा बोर्ड्स के एग्जाम में। ये कर्व बनाने के लिए भी आ सकता है और या फिर कर्व दिया हुआ रहेगा, इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। तो पहले कर्व को बना लोगे। बाइंडिंग एनर्जी जिन्होंने नहीं पढ़ा है लेक्चर 6 पहले देख लो, और जिनको याद होगा बाइंडिंग एनर्जी को समझा दिया गया था। फिर साइंटिस्ट्स ने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लेक्चर 6 में बताया गया है। साइंटिस्ट ने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट किया और ठीक उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर इट्स एटॉमिक मास, बाइंडिंग एनर्जी विद न्यूक्लियॉन का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास, बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को प्लॉट किया उसका कर्व विद एटॉमिक मास का, और कुछ ऐसा कर्व बन कर आया। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और उसका एटॉमिक मास देख रहे हैं। एटॉमिक मास तो हमें मालूम है 1, और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यहाँ पर। साइंटिस्ट ने पहले बाइंडिंग एनर्जी का कर्व बनाया और उसको एटॉमिक मास के साथ देखा, तो कुछ खास फिजिक्स की केमिस्ट्री की बातें पता नहीं चली। पता तब चला जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर एटॉमिक मास का कर्व बनाया गया एटॉमिक मास के साथ, तब देखा गया कि हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है, बट हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास जब देखा गया तो यह हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। उसके बाद यहां देखो बहुत सारे एलिमेंट्स का प्लॉट किया हुआ है, बट कार्बन को देखो, फिर ऑक्सीजन को देखो, फिर नियॉन को देखो, इन सबको अगर आप देखेंगे तो इन सब पर आपको क्या दिख रहा है, एक पीक दिख रहा है, अचानक से ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। और ये कर्व आप ध्यान से अगर देखेंगे और केमिस्ट्री और फिजिक्स का 9th का 10th का 11th का 12th का कॉन्सेप्ट भिड़ाएंगे तो आपको याद आएगा कि हीलियम अपने नेबरहुड वाले एटम के कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बन आपने क्लास 11 केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा है कि अपने अगल बगल वाले एटम से ज्यादा स्टेबल होता है। नियॉन अपने अगल बगल वाले एटम से ज्यादा स्टेबल होता है। बाइंडिंग एनर्जी का जब कर्व बनाया गया एटॉमिक मास के साथ, तो साइंटिस्ट कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। जब बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास का एटॉमिक मास के साथ कर्व बनाया गया
तो कुछ यू कर्व बना, और इस कर्व को हम लोग अब पोजीशन में है एक्सप्लेन करने के। तो पहले कर्व बना लो ध्यान से, कर्व बनाने भी आएगा और इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए भी आएगा। कर्व अगर बना लियो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो देख रहे हो पहला नंबर क्या देख रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लाइटर न्यूक्लियाई सच एज हाइड्रोजन का बहुत कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास पर न्यूक्लियॉन राइजेस रैपिडली अप टू मास नंबर 20 तक बढ़ता है, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन इन सब पर पीक नजर आ रहा है। देख रहे हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अचानक से पीक है, ये इंडिकेट करता है कि दीज न्यूक्लियाई आर स्टेबल देन देयर नेबरहुड। इससे एक साइंस की एक बहुत बड़ी बात पता चली, 12th हमारा खत्म होने को है, 9th का, 10th का, 11th का, 12th क्लास का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का मिला करके कंसेप्ट, आज के बाद अगर 12th से इसको 11th तो बताना मुश्किल है, 9th नहीं बता सकता, 10th नहीं बता सकता, 12th का स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि एक एटम स्टेबल है उसका फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कैसे बता सकते हैं कि कोई एटम ज्यादा स्टेबल है, तो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का बहुत सारा कंसेप्ट एक तरफ, एक्चुअली में हम लोगों को उन एटम्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जानना रहता है। अगर फलाना एटम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, ज्यादा एक कंपैरेटिव वर्ड है, अपने अगल बगल वाले एटम से ज्यादा है, तो वो अपने अगल बगल वाले एटम के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। यही केमिस्ट्री है, यही फिजिक्स है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व यही शो करता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन राइजेस रैपिडली अप टू मास नंबर 20, लेकिन जहां जहां पर पीक आता है उससे हम लोग ये चीज एनालाइज कर सकते हैं केमिस्ट्री का नॉलेज जोड़ करके कि फलाना एटम जहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व अपने अगल बगल वाले नेबरहुड वाले एटम से ज्यादा है, वहां पर हम लोग क्लियर कट कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियाई जो है वो ज्यादा स्टेबल है अपने नेबरहुड वाले से। उसके बाद आप देखें एटॉमिक मास 40 से 120 तक कर्व में कोई पीक वगैरह नहीं है, ये शो करता है कि एटॉमिक मास 40 से एटॉमिक मास 120 तक जो सब एलिमेंट आता है वो सब मोटा मोटी स्टेबल ही होता है। दे डज नॉट टेक पार्ट इन मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी रिएक्शंस, इट डज नॉट टेक पार्ट, दे आर मोस्टली स्टेबल। और कर्व जो है वो एटॉमिक मास 40 से 120 के बीच में रैदर फ्लैट है। 120 के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर एटॉमिक मास डिक्रीज करता है और नॉन एलिमेंट का जब ये कर्व बनाया गया तो यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अपने अगल बगल वाले एटम से कंपैरेटिवली काफी कम आ जाता है, ये कम है, ठीक है, हाइड्रोजन का कम है। बीच बाच में जहां जहां पर पीक है वो क्या बताएगा आप लोग बताओ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व लाइटर एलिमेंट का कम है, बहुत हेवियर एलिमेंट का कम है, बीच बाच का फ्लैट है, और 1 से 20 के बीच में तेजी से बढ़ता है, बट बढ़ने के समय भी कहीं कहीं पर बहुत तेज कर्व है, वो कर्व इंडिकेट करता है, कर्व नहीं मतलब ऊंचा पीक है, वो पीक इंडिकेट करता है कि फलाना एटम ज्यादा स्टेबल है। फिजिक्स के लैंग्वेज के हिसाब से जिस एटम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा अपने नेबरहुड से, वो एटम अपने नेबरहुड वाले एलिमेंट एटम से ज्यादा स्टेबल होगा। इस कर्व को इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये कर्व बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का और मास नंबर का है, कर्व बनाओ और एक्सप्लेनेशन को फटाफट नोट करो। ठीक से कर्व को बना लो, स्क्रीनशॉट लेके रखो, पूरा कर्व बना करके चलो, ठीक है। अब ये कर्व बनाते बनाते एक चीजों को हम लोग समझने का कुछ ट्राई करेंगे। तो अभी बात हुआ कि जिन एटम्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अपने अगल बगल वाले एटम से ज्यादा होता है वो स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि जिन एटम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम होता है वो अनस्टेबल होता है। वो अनस्टेबल होने का क्या मतलब है, तो वी विल थिंक अबाउट यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू कम भी है। यूरेनियम के बारे में सोचो, यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू कम भी है,
इसका एटॉमिक मास ज्यादा भी है, तो इसके पास क्या है, इसके पास ढेर सारा, इसके पास है ढेर सारा, एटॉमिक मास ज्यादा है मतलब न्यूक्लियॉन्स का मात्रा ज्यादा है, प्रोटॉन्स का मात्रा ज्यादा है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। अच्छे से समझना, यही बेसिक से यही पर ये चैप्टर खत्म है। तो यूरेनियम टाइप के एटम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है और इसमें प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है, यहाँ पर एटॉमिक मास ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी ज्यादा है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन न्यूक्लियर फोर्सेस को भी ओवरटेक कर लेता है, जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ था, और एटम्स के न्यूक्लियस न्यूक्लियर फोर्सेस इंडल्ज होने के बावजूद यूरेनियम जैसे एटम्स का स्टेबल नहीं होता है। यही से एक वर्ड आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, जो कि अलग से पूरा एक चैप्टर था आपका। इस बार के जो आपके कोविड को लेकर के सिलेबस काटा गया है तो उसको हटा दिया गया है, तो मैं उसको आराम से डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आप बात ये समझ लें कि यूरेनियम जैसे एटम्स जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू कम है और एटॉमिक मास ज्यादा है, उसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर फोर्सेस होने के बावजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सर को संभाल नहीं पाता, उसके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और न्यूक्लियस अनस्टेबल होने के वजह से इट अंडरगोज न्यूक्लियस अनस्टेबल होने के वजह से ही इन सबको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। दीज आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनके न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल। इनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू क्या है, कम है। एटॉमिक मास क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या करता है, इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो ये अपने में से कुछ रेडिएशंस निकालते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को पूरे एक अलग चैप्टर में पढ़ना था, अभी फिलहाल शॉर्टकट में पढ़ेंगे। ये अपने में से अल्फा डीके बीटा डीके इस तरह से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस इनके न्यूक्लियस के होते हैं और इसी रिएक्शन को ही हम लोग न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन में क्या होता है, एलिमेंट का एटम का न्यूक्लियाई जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू कम है, एटॉमिक मास ज्यादा है, न्यूक्लियस अनस्टेबल है, इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सिव फोर्स को बांध करके न्यूक्लियर फोर्सेस रहने के बावजूद उसको बांध नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी के वजह से अपने न्यूक्लियस में से बीटा अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाल देता है जिसके वजह से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियस का होता है और उसी को ही हम लोग न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन कहते हैं। तो ये एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, एटॉमिक मास ज्यादा है, न्यूक्लियस अनस्टेबल है, प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियर फोर्सेस से ज्यादा है, वो अपने न्यूक्लियस में से कुछ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लाइक अल्फा बीटा को बाहर निकालते हैं। अलग से रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो उसमें देख लेना, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत आइडिया होगा। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो कि रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी आपने इस्तेमाल किया था, बिस्मथ को, थोरियम को, रेडियम को इसीलिए रखा जाता है रेडियो रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ताकि उसमें से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन निकलते हैं। अल्फा जो निकला था वही हमारा रदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का बेस था। नहीं पढ़े हो तो पहले पढ़ लो, नहीं तो फिर जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तब सुन लेना, पढ़ लेना। अभी सिर्फ इस ग्राफ को एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। ऐसे एटम, ऐसे एलिमेंट के एटम जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू कम हो, एटॉमिक मास ज्यादा हो, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का रिपल्सिव फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्सेस को ओवरटेक कर ले, ऐसे केस में एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ऐसे एटम को हम लोग रेडियो एक्टिव एटम कहते हैं और इनके एटम के न्यूक्लियस में से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लाइक अल्फा डीके और बीटा डीके होता रहता है, जिस रिएक्शन को ही हम लोग न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन होने के बाद अल्फा डीके बीटा डीके होने के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाता है और यही सोल रीजन है जिसके वजह से
एटम सच एज यूरेनियम अंडरगोज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, याद रहेगा ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन का जिसका एटॉमिक मास बहुत कम है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू भी बहुत कम है, ये क्या करता है, टेक्स पार्ट इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये टेक पार्ट करता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या करने के लिए, अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए। तो ये याद रखना, क्या याद रखना, जिन एटम्स का एटॉमिक मास कम है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, क्यों, अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ाने के लिए। जिस एटम का एटॉमिक मास ज्यादा है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू कम है वो अंडरगो जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का। दोनों ही केस में इनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, बट एनर्जी रिलीज होने के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है और कंपैरेटिवली उनके जो एटम्स के न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, ये एलिमेंट एटॉमिक मास कम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू कम, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जाएगा। ये एलिमेंट का एटम जिसका कि एटॉमिक मास ज्यादा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अपने अगल बगल वालों से कम, वो रेडियो एक्टिव है, उसके अंदर उसके न्यूक्लियस अंदर अल्फा डीके बीटा डीके होता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में टेक पार्ट करता है और टेक पार्ट करने के बाद इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाता है ठीक है। तो इसको हम लोग नोट बना करके लिखेंगे, नोट बना करके लिखेंगे। तो इस चीज को लिख लिया जाए, लिखो नोट बना करके। तो बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास पर न्यूक्लियॉन हैज अ लो वैल्यू फॉर बोथ वेरी लाइट एंड वेरी हैवी न्यूक्लियाई। इन ऑर्डर टू अटेन हाइयर वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन द लाइटर एलिमेंट में यूनाइट टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, एंड हेवियर न्यूक्लियस में स्प्लिट इंटू लाइटर न्यूक्लियाई with disintegrations of their nucleus by disintegrating alpha beta particles, जो कि रेडियोएक्टिविटी के तहत आता है तो आगे पढ़ेंगे, but in both the nuclear processes the resulting nucleus acquires, दोनों ही रिएक्शन हो जाने के बाद greater value of binding energy per nucleon, और दोनों ही रिएक्शन में ढेर सारा एनर्जी लिबरेट होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन अलग से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल बस जानना है कि किसके साथ न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, किसके साथ न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। जिन एटम्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा होता है, पीक पर है, उनका स्टेबिलिटी अपने अगल बगल वाले एटम से ज़्यादा है। ये हमारी पूरी कहानी है बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास या फिर पर न्यूक्लियॉन का कर्व विथ एटॉमिक मास, ठीक है। कर्व बनाने के लिए तो बहुत कम ही आया है, कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए कई बार आया है ठीक है। तो ये सब पढ़ लो, कल वी विल ट्राई कि हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई खत्म हो जाए। रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन इस बार कोविड के वजह से बोर्ड्स के सिलेबस से हटाया गया है, पहले बोर्ड्स में जो जो है उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद जो जो टॉपिक छोड़ा गया है मेंस का, एडवांस का, नीट का, कुछ टॉपिक्स उसको बाद में देखेंगे, पहले बोर्ड्स एग्जामिनेशन पर। कल के क्लास में वी विल ट्राई टू एंड दिस चैप्टर।